जिला हमीरपुर के अमरोह में कुश्ती दंगल में लड़कियों ने न केवल लड़कों को धूल चटाई बल्कि हिमाचल की लड़कियों पहलवानों को भी छठी का दूध याद दिला दिया। जी हां, हर साल अमरोह में होने वाली कुश्ती दंगल में देर रात तक चली कुश्ती में पंजाब और हरियाणा से आए लड़कियों पहलवानों ने अपने दावों से सबको हैरान कर दिया। विजेता हरियाणा की बबीता हमीरपुर के साहिल को पटकनी देते हुए कुश्ती जीती, जिसे 31,000 रूपए इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर 18,000, तीसरे स्थान पर 13,000 रूपए का इनाम दिया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश हर जगह दे रहे हैं ताकि बेटियों को मान सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि वह हमीरपुर में पहले भी कई बार आ चुकी हैं और यहां आकर अच्छा लगता है। वहीं बबीता के कोच ने कहा कि आज के समय बेटियां किसी से कम नहीं है और हिमाचल में भी बेटियों को कुश्ती के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुश्ती करने आए तो हम यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं और हमें यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुश्ती से बहुत प्यार करते हैं हम, कुश्ती से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, यही उपदेश देना चाहेंगे, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, बेटी खिलाओ का भी निकलना चाहिए। हाँ जी, हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर और यहाँ का हमें पिछली बार आए काफी साल हो गए आते हुए, लेकिन हमें भी प्रेरणा मिली कि यहाँ के बच्चे लड़कियाँ, सोलन है हमीरपुर में लड़कियाँ कुश्ती लड़ने लगी, आज लड़की इधर की लड़ी, उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हम मेरा साथी है महावीर फोगाट, जिसकी बेटियाँ, पांच लड़कियाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, एक ही घर में उन्होंने एक द्रोणाचार्य और दो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अभी तैयार है, आगे भी चल रहे हैं, छोटी गुड़िया भी कर रही हैं। अभी उनके हरियाणा प्रदेश के अंदर मेडल आए थे, दो बार स्कूली और इंटर अखाड़े, और उन्होंने आगे के लिए भविष्य में गया 2024 में हमारे अखाड़े की लड़कियां ओलंपिक में भाग लेंगी। वहीं कुश्ती आयोजक शासन पंचायत के पूर्व प्रधान नरेश ने बताया कि हर साल इस तरह की कुश्ती करवाई जाती है और कुश्ती में हरियाणा व पंजाब की लड़कियों को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये कुश्ती बाबा पीर के नाम पर की जाती है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी बढ़िया तरीके से कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। ये जो कुश्ती कराई गई है ये एक बाबा जी बाबा पीर के नाम से करवाई गई है और लोगों को एकत्रित करने के लिए करवाई गई है और लोगों का मनोरंजन करवाने के लिए करवाई गई है। और ये जो कुश्ती इस बार 4 मार्च को जो हमने लड़के और लड़कियों की थी, अगले साल जो हम इस कुश्ती को करेंगे तो इससे बड़ी करेंगे। और जो अब जो इस वक्त जो लागत आया राशि जो खर्च की है हमने, इससे हम दुगनी ऊपर उठाकर जो लागत लगाएंगे। और जो इस कमेटी का प्रधान जो मेरा लड़का रविंद्र कुमार जी है, तो उसके हाथों द्वारा जो है इस कुश्ती को जो है आगे के लिए बढ़ोतरी करवाई जाएगी और दिन प्रतिदिन इस कुश्ती को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस कुश्ती को इंटरनेशनल के लेवल पे लेके आएंगे। सर, मेरा मानना यही है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो कुश्ती में है, पढ़ाई में है, या किसी भी सर्विस सेक्टर में है, वो सबसे लड़कों से आगे हैं। सर, ये लड़कियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आई हुई थी, कुछ हिमाचल की भी आई हुई थी।